अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हो तो फिर एक टाइम के लिए आप वीडियो का टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक कि वीडियो की क्वालिटी भी इग्नोर कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी HD में ना होकर सिर्फ MP4 में होगा और अगर इस वीडियो में ऑडियो क्लियर एंड क्रिस्पी होगा तो फिर ऑडियंस आपकी वीडियो को जरूर वॉच करेगा। बट अगर आपकी वीडियो में ऑडियो ही सही नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को HD में रिकॉर्ड करो या फिर कितने भी अच्छे तरीके से उसका SEO करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी वीडियो को कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ऑडियंस को आपकी वीडियो में क्लियर ऑडियो सुनाई नहीं देगा, जिसके कारण उसे आपकी वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। और जैसा कि आप जानते हो, जिस वीडियो को देखने में मजा नहीं आएगा लोग उसे नहीं देखेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी वीडियो में एक अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड करना सीखो। और आज की वीडियो में मैं टॉप 3 बेस्ट वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी वॉइस को क्लियर एंड HD क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो पहले नंबर का एप्लीकेशन है वो तो कमाल का है और इसे सबसे टॉप यानी कि पहले नंबर पर होना भी चाहिए। और मैं भी इसी का यूज करता हूँ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए और मुझे लगता है 90% प्लस यूट्यूबर भी इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप पहले नंबर के इस वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन को तो जरूर देखना। मैंने जिसे तीसरे नंबर पर रखा है उसका नाम है HIQ Free। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसे ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहां से इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। आप जैसे ही यहां क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहां से वेब को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है DB का ऑप्शन। अगर वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम नॉइज ज्यादा आता है तो आप यहां से इसे माइनस की तरफ कर दीजिएगा, तो DB को कम करने से नॉइज कम रिकॉर्ड होगा और इसके अपोजिट DB ज्यादा करने से नॉइज ज्यादा रिकॉर्ड होगा, यानी कि ये आपके आसपास की ऑडियो को कैच भी कर लेगा। तो आप इसे अपने आसपास के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद का सेटिंग आता है टाइम का, तो आप इसे डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। इसके बाद इसमें कोई भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप इसमें 10 मिनट से ज्यादा की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन लेना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले नंबर की वॉइस रिकॉर्डर से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रिकॉर्डर एप्लीकेशन है उसका नाम है सुपर रिकॉर्डर। प्ले स्टोर पे इसे 4.5 की रेटिंग मिली है जो काफी अच्छा है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप इसे ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें भी आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा जिसमें नॉइज सप्रेसर, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, मिक्स सिलेक्शन और रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफी बेस्ट है। तो आप इसे जरूर कर सकते हो, अपने जरूरत के हिसाब से सेटिंग कर सकते हो और नीचे में इस रेड बटन पे क्लिक करके वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। और अब बात करते हैं मेरे और सभी बड़े यूट्यूबर के फेवरेट वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन के बारे में। इस पार्ट को आप अच्छे से देखना क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारा सेटिंग्स है, अगर एक भी सेटिंग्स को मिस कर दिए तो फिर आपका वॉइस अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है RecForge 2 और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। आप जब इसे ओपन करोगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दोस्त, ये एप्लीकेशन इसलिए लोगों को पसंद आता है कि इसकी सारी सेटिंग्स को आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो और इसमें बहुत सारा सेटिंग्स भी मिल जाता है, जैसे इको कैंसलर, नॉइज सप्रेसर, गेन कंट्रोल, DB प्रीव्यू, मिक्स सिलेक्शन एंड और भी बहुत कुछ। और अगर इस पर फुल ट्यूटोरियल चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन और इंड स्क्रीन दोनों जगह वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखना। नहीं तो फिर आपका रिकॉर्डिंग की क्वालिटी सही नहीं होगा, तो आप इसकी सेटिंग्स को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।